क्यूबेसियर कॉल रिकॉर्डर। ये कॉल रिकॉर्डर काफी पॉपुलर फिलहाल के टाइम पे हो रहा है। लोग बहुत ही ज्यादा इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आप लोग काफी तरीके की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फोन कॉल जो भी कॉल है इसके अंदर रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल है, इसी वजह से लोग इसको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्यूबेसियर कॉल रिकॉर्डिंग के सारे सेटिंग्स को हम लोग कवर करेंगे, पूरा बखूबी से आपको छोटे वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये काम कैसे करते हैं और क्या क्या सेटिंग्स करने पर आपको क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी, जहां पे हम लोग बात करते हैं बेस्ट बजट मोबाइल सीक्रेट एप्लीकेशन एंड ऐसी सेटिंग्स फोन के जो आपको डेली लाइफ पे काम पे आते हैं इसके बारे में। और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रोनियो स्टार्क। ये हमारा एप्लीकेशन है, सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। तो यहां पे आपको सबसे पहले नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहां पे आपको परमिशन देना है स्टोरेज, माइक्रोफोन, फोन और कॉन्टैक्ट के। तो यहां पे ग्रांट परमिशन पे क्लिक करके आप लोग यहां पे परमिशन दे देना, उसके बाद अलाउ कर देना है एंड यहां पे एनेबल ऐप कनेक्टर यहां पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके फोन में ऐसे सेटिंग्स आएंगे यहां पे लोग समझ नहीं पाते। यहां पे देखिए नीचे की तरफ क्यूबेसियर कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे दिखाएंगे, यहां पे इसको एनेबल कर देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ जैसी हो जाते हैं यहां पर अलाउ कर देना है, उसके बाद यहां पर देखिए मेरा कॉल रिकॉर्डिंग जो मतलब सॉरी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं स्क्रीन रिकॉर्डर ये वाला जो था इसका पॉपअप मैसेज आ गया था। चलो कोई बात नहीं, यहां पे आप लोग क्या करेंगे नो थैंक्स पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, ये लोकेशन मांगेंगे बेसिकली। तो यहां पे ओके गट इट एंड उसके बाद ये प्रीमियम का फीचर से अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, तो मैं प्रेफर करूंगा फ्री एक बार इस्तेमाल करो। उसके बाद अब देखो यू आर ऑल सेट टू गो, मतलब आपके सारे सेट हो चुका है। अब नीचे की तरफ देखो फोन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इमो, फेसबुक, यहां पर सारे ऑप्शन है। अब मानो यहां पे आप लोग व्हाट्सएप के कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद टेलीग्राम सारे चीज आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो यहां पे सबसे पहले आपके व्हाट्सएप चूज करना है, उसके बाद मैं यहां पे चूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल नंबर आ जाएंगे, तो चूज करके आपको एक कॉल करना है, एक कॉल लगाना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे दोबारा, ये मतलब आपके पास ऐसे परमिशन नहीं मांगेंगे। अब मैंने आपको दिखाने के लिए व्हाट्सएप तो बता दिया था इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, लेकिन फोन के ऊपर सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे आपको सिखाने के लिए एंड यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पे पूरा डायलर पैड ओपन हो जाते हैं। हालांकि यहां पे मेरा पर्सनल नंबर दिखा रहा है इसी वजह से मैंने आपको शो नहीं किया। अब यहां पे एक नंबर पे हम लोग कॉल करेंगे, जैसे ही कॉल करते हैं यहां पर देखिए हमारा कॉल तो लग चुका है। अब यहां पे हम इसको एंडेड करेंगे, एंडेड करने के बाद आपको दिखा देते हैं। एंडेड हम यहां पे कर चुके हैं, ओके गट इट। ये देखिए कॉल रिकॉर्डर के अंदर यहां पे हमें दिखने के लिए मिलता है जो हमने अभी अभी रिकॉर्ड किया था। तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है इसी वजह से शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुए, फिर भी एक बार प्ले करते हैं। यहां पे तो लग चुका है, अब यहां पे देखिए ये मेरा मतलब रिकॉर्डिंग हो चुका था। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करते हैं बेसिकली। एंड एक चीज मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन आप लोग बैकअप ले सकते हो, स्टोरेज का सेटिंग कर सकते हो, सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर पॉसिबल है। तो उसके लिए बस आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एनेबल रिकॉर्डिंग इसको आपको एनेबल करके ही रखना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके आप लोग ऑटो स्टार्ट रिकॉर्डिंग इसको एनेबल कर देना है ताकि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे जो सेटिंग्स है इसको एज इट इज रहने दो तो ही बेहतर होगा आपके लिए। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैक्सिमाइज इन कॉल वॉल्यूम को आपको एनेबल करके रखना है। अब एक चीज मैं आपको और एक बार बताऊंगा जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां पर देखिए जो लोग बताते हैं मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन जो आगे वाला बंदा है उसका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो आपको यहां पे क्लिक करना है जहां पे मैं कर रहा हूं, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आप एक एक करके चूज करना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि फिलहाल के टाइम पे कॉल रिकॉर्डिंग हर एक फोन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्डर अगर आपके फोन में बखूबी से काम नहीं कर रहे हैं यहां पर थोड़ा सा छेड़छाड़ करना, सेटिंग्स को चेंज करके देखना, एक ना एक सेटिंग्स आपके फोन में आ जाएंगे। और एक कमाल के सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, अगर आप मानो चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एक ही नंबर का कॉल आपके फोन में रिकॉर्ड हो तो यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ऑप्शन आएंगे, ऐड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपने कॉन्टेक्ट पर जाओगे, वहां पर से सिलेक्ट कर लेना है जो जो कॉल रिकॉर्ड आप ऑटोमेटिक करना चाहते हो। उसके बाद यहां पे आपको ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन के अंदर आना है, हाइड कॉल हाइड रिकॉर्डिंग कंट्रोल्स। यहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके जो ये कंट्रोल्स है ये पूरी तरीके से हाइड हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन अगर आप ऑफ करना चाहते हो, यहां पर रिकॉर्डिंग कंट्रोल मोड नोटिफिकेशन को अगर विडगेट में सेट करना चाहते हो तो यहां पर आप लोग क्लिक करके परमिशन देना होगा। उसके लिए आपको यहां पे आके कॉल रिकॉर्डर ढूंढना है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिखाए तो कुछ ऐसा करना होगा आपको। यहां पे अपने कॉल रिकॉर्डर कहां गया भाई,
ये रहा आपका कॉल रिकॉर्डर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है डिस्प्ले ओवर ऑली, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से विडगेट के ऊपर इसका नोटिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना, उतना डीपली जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। हाइट कॉल रिकॉर्डिंग कंट्रोल, यहाँ पे आप लोगों का जो कॉल रिकॉर्डिंग मतलब दिखाएंगे जो भी मतलब आपके फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब जब आप कॉल करोगे उस टाइम पे अगर नहीं देखना चाहते हो कि भाई मेरा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, होने दो, लेकिन मेरे स्क्रीन पे ना आए, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे थीम देखने के लिए मिलते हैं, ये तो सबको पता है डार्क थीम मतलब जो ब्लैक थीम है वो और व्हाइट थीम ये वाला, तो यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिलते हैं ये जो फीचर्स है ये प्रीमियम फीचर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे और कोई आपको एक्स्ट्रा सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसका मजा लो, इसको इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ऐसे डेली लाइफ में जो काम पे आते हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये हमारा मोटिवेशन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। कैसे एप्लीकेशन या फिर कोई भी सेटिंग्स देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ये बात ध्यान में रखना, हर एक कॉल रिकॉर्डर फिलहाल के टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से हो सकती है एप्लीकेशन आपके फोन में बखूबी से काम नहीं करे। वो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, लेफ्ट वाला वीडियो को देखकर आप चेक कर सकते हैं। राइट वाला प्लेलिस्ट पे मैंने आपके लिए ऐसे टॉप टॉप हिडन कॉल रिकॉर्डर या फिर सीक्रेट एप्लीकेशन के वीडियो छोड़े जो आमतौर पर लोग आपको नहीं बताएंगे। बीच वाला गोल बटन दबा के प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।